है hey एवरीवन आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है आज मैं आप सभी के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी आई मेकअप की वीडियो शेयर करने वाली हूँ अगर आप मेहंदी ब्राइड है तो आप इस आई मेकअप के साथ जा सकते हैं या फिर अगर आपको बहुत ही हैवी सा आई मेकअप पसंद नहीं है तो आप इस सिंपल से आई मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगती है तो इस आई मेकअप को करने के लिए सबसे पहले हमने अपने आईब्रो को ड्रॉ कर लेनी है तो इसके लिए आपने मैंने ब्लैक शेडो से ही अपनी आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ तो हमें बहुत ही नेचुरल ही शेप करनी है बहुत एक्स्ट्रा में नहीं जाना है तो हम इसे अच्छे से, से शेपिंग कर लेंगे उसके बाद हम एक कंसीलर की हेल्प से इसे डिफाइन करेंगे तो आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं अच्छी कवरेज वाला आप चाहे तो स्वीट ब्यूटी के साथ जा सकते हो बहुत ही अच्छी कंसीलर है बहुत ही अफोर्डेबल में है और बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करती है तो इसे हम अच्छे से डिफ़ाइन कर लेंगे साथ ही अपने पूरे आई पर भी अप्लाई कर लेंगे अगर आपकी आउटफिट ग्रीन कलर की है तो आप इस आई मेकअप को क्रिएट कर सकती है बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ये आई मेकअप लुक आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ साथ ही आइकन को भी हिट करें क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट कर देंगे तो हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जा सकेंगे और मैं आप सभी के साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर पाऊँगी तो इसे हमें पूरे अपने आइज़ के अराउंड इसे अच्छे से अप्लाई कर लेनी है उसके बाद हमें एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तभी हमारी जो आई शेडों की कलर है बहुत ही अच्छे से निखर कर आएँगे तो आ, सबसे पहले यहाँ पर ही मैं पीच कलर के साथ जा रही हूँ तो अगर आप बिगनर हैं तो आप हमेशा ही लाइट कलर से ही स्टार्टिंग करें क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही डार्क कलर अप्लाई कर देंगे तो उसे फिर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप को इसीलिए आपको पहले लाइट से ही यूज़ करें उसके बाद धीरे धीरे आप डिप कलर में जा सकते हैं तो इन्हें हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर ही मैं एक पिंक कलर लेकर अपने क्रीज पर इस तरीके से प्लेस कर ले रही हूँ उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो आपको ना ब्लेंडिंग में ख़ास ध्यान देना है अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे तो आपकी आई मेकअप भी बहुत ही खूबसूरत क्रिएट होंगी वरना अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो एक हार्श सी लाइन दिखती है जो कि बहुत ही वियड लगती है अच्छी नहीं दिखती हैं तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नर पर ये एक डार्क ब्राउन शेड लेकर इसे अच्छे से प्लेस कर दूँगी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी तो और लोअर लैश लैम पर मैं वही सेम पिंक कलर को ही अप्लाई करूँगी इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और यहीं पर ही मैंने ब्राउन एरिया पर एक सिल्वर कलर का हाईलाइटर यूज़ किया है और हम इनर कॉर्नर पर भी हाईलाइटर यूज़ कर लेंगे इससे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है और तो हम अब एक कट क्रीज कर लेंगे तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने वही सेम कंसीलर लिया है और इससे अपने हाफ आईलिड को कट करूँगी अच्छे से और पूरे आईलिड पर भी इसे अप्लाई कर दूँगी इस कंसीलर को और जो हमारी जो यहाँ पर कॉर्नर में जो लाइन दिख रही है एजेस दिख रही है उससे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी और एक डार्क ब्राउन कलर लेकर वहाँ पर ही मैं इसे प्लेस कर दूँगी बाहर से अंदर की तरफ हल्का हल्का इसे ब्लेंड करूँगी इससे हमारा कॉर्नर स्मोकी दिखेगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ पर मैंने ग्रीन लाइट ग्रीन शिमर लिया है और इसे अपने आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ ये कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है बहुत ही प्यारा कलर है तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी तो इसे बढ़िया हम बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और जो हमारी एजेस हैं उसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो सब एक साथ ब्लेंडिंग लगे तो और लोअर लास्ट लाइन पर यहाँ पर मैंने जेल लाइनर को एज अ काजल यूज़ किया है और ब्लैक शेडो के साथ इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी इसे स्मच कर दूंगी इससे एक स्मोकी लुक आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में तो इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर ही मैंने लिक्विड आईलाइनर लिया है और इससे मैं एक विंग क्रिएट करूँगी तो लाइनर हमें बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लेनी है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में तो देखिए इससे मैंने आईलाइनर अपने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लेसेस पर मस्कारा कर लिया है तो अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लेंगे तो अच्छा यहाँ पर ना मैं फॉल्स लेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो तो देख सकते हैं आप ये हमारा ब्यूटीफुल सा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है तो ये लुक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय